नमस्कार साथियों, आज मैं आपके पास गौर साहब के जीवन के कुछ और विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने उनके प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था और आपको मैं थोड़े से ग्लिम्स जो पुराने वीडियो के थे उसमें से कुछ क्लिप जो पावर पॉइंट के थे जो मैं आपसे शेयर किया था, ये मैंने आपसे शेयर की थी और आप देख पा रहे हैं इसको। और ये सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, इस बारे में मैंने आपसे बात की थी। और मैं आपको बताया था कि वो लंदन गए, लंदन में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और फिर लंदन से जब लौटे तो वो एक उनके जो जीवन के जो और पहलू हैं, वकील के रूप में उन्होंने जो अपनी वकालत यहाँ पे शुरू की उस पर वहाँ से हम बात करें, वहाँ से शुरुआत करें कि गौर साहब जो है एक वकील के रूप में कैसे उन्होंने काम किया और कैसे अपना अपने आप को स्थापित किया। 1892 में जब वो भारत लौटे और उसके बाद उन्होंने वकालत प्रारंभ किया, उसका उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बता दूं। गौर साहब जब भारत लौटे तो वो बहुत उत्साहित थे और लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब भारत लौटे तो कोई विदेश पढ़ कर विदेश से लौटा है तो उनको कोई वेलकम करने के लिए उस प्रकार से लोग नहीं थे, वो अपनी बात को कहते हैं। और उसके बाद उनके जो बड़े भाई साहब जो आधार सिंह थे, जो पहले नागपुर में थे, अब उनकी पोस्टिंग होशंगाबाद में थी जिसे अब नर्मदापुरम के नाम से हम जानते हैं, तो होशंगाबाद वो वहाँ अपने बड़े भाई के पास गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि घर का जो माहौल है, जो उनकी भाभी हैं, उनका जो पूरा एटीट्यूड था वो वेलकमिंग नहीं था। उनको लगा कि वो मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं और उन चीज़ों को, तो फिर वो वहाँ से होशंगाबाद से जबलपुर चले गए। अपने मित्रों की सहायता से वो उस समय तक अपने लिए काम तलाश करते रहे और इसी बीच उनकी मुलाकात जो है उनके मित्र ने वहाँ के कमिश्नर, जबलपुर के जो कमिश्नर थे उनसे मुलाकात करवाई और कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे, जो वहाँ के जो कमिश्नर थे, उन्होंने उन्हें एक जॉब ऑफर किया भंडारा में। भंडारा अभी वर्तमान में नागपुर मतलब महाराष्ट्र में है, विदर्भ क्षेत्र में, और भंडारा में उनकी पहली पोस्टिंग हुई एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में। और उस समय उनकी जो नियुक्ति हुई 1892 में, तो उस समय उनकी सैलरी जो थी 229 रुपीस कुछ पैसा, जैसा वो बताते हैं 229 रुपया 80 पैसा उनकी सैलरी थी। और ये सैलरी हालांकि कह सकते हैं कि उस समय आज से लगभग 130-140 साल पहले ये सैलरी अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन गौर साहब, चूंकि मैंने आपको बताया था कि लंदन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो पैसों के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, उन्हें कविताएं लिखनी पड़ी, डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और जब वो लंदन से लौटे तो उनके पास वापस किराया भी नहीं था लौटने के लिए, तो बहुत सारे संघर्षों आने के बाद भी जब तक उनको जॉब नहीं मिली थी तब तक उनके जो साथियों ने से जो उन्होंने कर्ज लिया हुआ था तो बहुत सारा कर्ज था और उस कर्ज को उतारने के लिए हालांकि ये जॉब तो अच्छी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि वो उससे अपने साथियों का जो कर्ज है, जो उधार है, वो लौटा सकें। अतः उन्होंने उसी समय घटना हुई जनवरी के महीने 1893 में, एक महिला सागर से आई और उन्हें पता चला कि कोई विदेश से पढ़ के एक लड़का आया है सागर का और जो बहुत टैलेंटेड है और वकालत पढ़ा हुआ है, तो वो अपने बेटे का फरियाद लेके, क्योंकि उनके बेटे जो थे माधव बंजारा उनको सजा हो गई थी और वो चाह रही थी कि उनका कोई केस लड़े, तो वो महिला जो गौर साहब के पास आई और उसने गौर साहब को ऑफर किया कि यदि आप मेरे बेटे का केस लड़ते हैं और आप जीत जाते हैं केस तो मैं आपको, और पेशगी में वो उस समय बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस समय एक बैग, मतलब जो बोरा होता है जिसमें हम लोग गेहूं या चावल रखते हैं, तो वो एक बैग भर के पैसे लेकर आती है और गौर साहब को ऑफर करती है कि आप मेरे बेटे का केस लड़िए। और गौर साहब उस समय
चूंकि हालात ऐसे थे कि उनको अपने कर्ज से कर्ज उतारना भी था, तो उन्होंने बहुत तुरंत ही फैसला लिया और उन्होंने एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद वो जो है वकालत प्रारंभ हुआ और माधव बंजारा का जो केस है वो लड़े। हालांकि वो भंडारा जो कोर्ट में जो केस हुआ तो उसमें वो हार गए, लेकिन उस केस को फिर उन्होंने अपील की, नागपुर हाईकोर्ट में अपील किया और अपील करने के बाद उनको सफलता मिली। तो ये वो पॉइंट है जहां पे वो वकालत के क्षेत्र में उनको सफलता मिली। और नागपुर उनका पूरे मेरी गौड़ साहब के जीवन की बात करें तो उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा नागपुर में बिताया और कह सकते हैं नागपुर उनकी कर्मस्थली थी और नागपुर में ही उन्होंने सब कुछ बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा बताया। और एज ए वकील, एज ए राइटर, पोएट हम देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारा काम नागपुर में ही रहकर किया। तो गौर साहब और नागपुर का रिश्ता बहुत पुराना है और इसी में जैसा आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में कि गौर साहब के जीवन के अलग अलग पहलू हैं, तो उस पहलू के हिसाब से यदि मैं बात करूँ तो हम जब पहले बात करें कि एज एन एडवोकेट, तो इसमें दिया हुआ है जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि गौर साहब जो है लंदन से पढ़ के आने के बाद फिर 1826 जनवरी, ये डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 1893 को उन्होंने अपने वकालत शुरू की भंडारा में और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट, भारत के अलग अलग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया, नागपुर में प्रैक्टिस किया, कलकत्ता में किया, लाहौर में किया, रायपुर में किया, अलाहाबाद में किया और उसके अलावा म्यांमार यानी कि बर्मा में भी उन्होंने प्रैक्टिस की। इनके वकालत से जुड़ी हुई बात यह है कि जिस प्रकार से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनका ओरेटर बहुत अच्छे ओरेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, अंग्रेजी पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, तो वो जो ये स्किल उनके इसके साथ और उनका लॉ का जो नॉलेज था वो बहुत इनडेप्थ नॉलेज था। इस बीच दो चीजें हुई, गौर साहब यहाँ आने के बाद उन्होंने एक चीज महसूस की, वो शिद्दत से महसूस की कि इन पर लॉ के संबंध में किताबें नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपका आगे बात करूंगा एज ए राइटर, जब उनकी बात आती है तो वो लॉ की किताबें भी उन्होंने एडिट की, लिखी और उन्होंने जो लॉज थे खास करके उनको अपने तरीके से, क्योंकि कोई ऐसी किताब भारतीय के द्वारा लिखी नहीं गई थी या कोई ऐसा कोई किताब नहीं थी जो यहाँ के कानून को सही तरीके से एक नए वकील के लिए दे। तो गौर साहब की ये जो चिंता थी वो साथ ही साथ वकालत करते करते वो लॉ की किताबें भी अपना काम की, मैं इस पर बात करूंगा आगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब वो नागपुर में प्रैक्टिस शुरू किया उन्होंने और वहां से जो उनको सफलता मिली उससे सुनकर रायपुर जो अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी है, जैसा आप सभी जानते हैं जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ सन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़ और वो अलग होकर एक राज्य गठित हुआ और राज्य और राजधानी बनी रायपुर। तो रायपुर भी एक पुराना शहर है और कलचिरियों के समय से भी पुराना इसका इतिहास है। और रायपुर में ये उनकी दूसरी कर्मस्थली बनी और वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस किया और वहां भी उनको सफलता मिली। और जब वो रायपुर में प्रैक्टिस कर रहे थे तब बहुत सारे लोगों को ये पता चला, कलकत्ता के लोगों को, कि एक ऐसा वकील है जो युवा है और बहुत ही अच्छे तरीके और उसकी जो सक्सेस रेट है एज एन एडवोकेट जो सक्सेस रेट है वो बहुत जबरदस्त है। तो उनकी ये प्रसिद्धि काम आई कलकत्ता में, कलकत्ता भी उसके बाद फिर वो कलकत्ता की कोर्ट में प्रैक्टिस किया उन्होंने। लेकिन कलकत्ता के बारे में बताते हैं कि चूंकि वहाँ का जो एटमोसफेयर है, जो वहाँ का जो 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 क्लाइमेट है वो उनको सूट नहीं किया और उनकी तबीयत वहाँ थोड़ी खराब हुई और फिर वो कहते हैं कि उनकी इच्छा तो थी लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था तो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है कलकत्ता का। और कलकत्ता भारत की कह सकते हैं अंग्रेजों के समय में पहली राजधानी थी। 1691 में जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी और तीन गांव गोविंदपुरा, सुतानाती और कोलकाता, तीन गांवों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने कोलकाता शहर की स्थापना की जिसको कि कलकत्ता कहा गया और अभी वर्तमान में हम फिर से इसको कोलकाता कहते हैं। तो तीन गांवों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने 1691 में कलकत्ता की स्थापना की थी। और आपको बता दूं कि जब 1757 के बाद और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे बंगाल के, तो उस समय कलकत्ता ही राजधानी थी। और आपको बता दूं 1911 तक
1773 से लेके 1911 तक भारत की जो ब्रिटिश राजधानी थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, वो कलकत्ता थी। बाद में 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। और इसके पहले दिल्ली जो है मुगलों के समय में और उसके पहले भी इंद्री, और दिल्ली जो शहर है उसकी स्थापना तोमर वंश के राजाओं ने, अनंगपाल तोमर ने की थी, और दिल्ली शहर की। तो ये मैं चूंकि आपके साथ गौर साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मैं कुछ उस उन चीजों से, शहरों के नामों से, नाम से मैं इतिहास भी आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ नई चीजें मालूम हो सके, और मुझे लगता है कुछ बच्चों को मालूम भी होगी। लेकिन फिर भी मेरा यह प्रयास है कि मैं अपने व्याख्यान के दौरान कुछ चीजें, जुड़ी चीजें हैं उनको मैं आपसे शेयर करता चलूं। कलकत्ता में उन्होंने प्रैक्टिस की, लेकिन जैसा बताया मैंने कि उनका हेल्थ साथ नहीं दिया। इसके अलावा वो लाहौर गए, लाहौर जो आप पाकिस्तान में है, लाहौर कह सकते हैं कि लाहौर के बारे में एक कहावत थी कि यदि आपने लाहौर नहीं देखा तो फिर दुनिया में आपने क्या देखा, लाहौर नहीं व्याख्या तो फिर क्या व्याख्या, मतलब ये कहावत थी कि लाहौर आपने नहीं देखा तो आपने क्या देखा। तो ये लाहौर शहर की बात है, और वो उस लाहौर शहर में भी वहां भी कोर्ट में गौर साहब ने प्रैक्टिस की। इसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अलाहाबाद जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो अलाहाबाद कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। और अलाहाबाद हाई कोर्ट में जब वो प्रैक्टिस करने गए तो वहां पे उन्होंने एक चीज अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो वहां पे देखा कि केस जो है डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब जो जिस जो जिस जिसके साथ घटना घटी है, या मान लीजिए जो जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, वो आदमी डायरेक्ट वकील के पास नहीं आ रहा। वहां पे एक देखा कि यहाँ पे एक कह सकते हैं एक मीडिएटर जो मध्यस्थ है वो लेके आ रहे हैं, और ये मध्यस्थ से हमको कह सकते हैं एजेंट के रूप में या दलाल के रूप में। और वो चीज गौर साहब को कहीं ना कहीं खल रही थी, और उन्हें वो चीज कह सकते हैं बुरी लग रही थी, और इसलिए और इस कारण से वो लंबे समय तक क्या लंबे समय तक इलाहाबाद में प्रैक्टिस नहीं की, फिर वापस वो नागपुर चले आए। और कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम समय उन्होंने नागपुर से किया, लेकिन जरूरतों के हिसाब से अलग अलग स्थान पर वो मूव होते रहे। इसके अलावा म्यांमार, म्यांमार में भी उन्होंने प्रैक्टिस की। और उस समय बता दूं कि जिस समय गौर साहब प्रैक्टिस कर रहे थे, म्यांमार भारत का हिस्सा था, यानी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। 1885 में थर्ड एंग्लो वॉर जब हुआ, उसके बाद एक ट्रीटी हुई लॉर्ड डफरिन के समय, और उसके बाद इसको 1885 में इंडिया के साथ मर्ज कर लिया गया। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से जो बर्मा या म्यांमार है उसको अलग किया गया, लेकिन 1937 में ऑफिशियली मतलब ये अलग हुआ। तो बर्मा जो है, म्यांमार जिसको आज हम लोग जानते हैं, वो 1885 से लेकर 1937 तक भारत, ब्रिटिश भारत का हिस्सा रहा। उस समय म्यांमार में आपने कई बार सुना है कि जैसे बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल भेजा गया, मांडले जेल में। तो कई बार मतलब चूंकि वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा था तो वो भी उस ज्यूरिडिक्शन में था, तो म्यांमार भी वो प्रैक्टिस करने के लिए गए। और इसके अलावा एक और चीज है, जो चूंकि वकालत के पेशे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गौर साहब की, तो गौर साहब जो है लंदन गए प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल क्या चीज है, इसके बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि भारत में जैसे आज हमारी सबसे उच्च अपीलीय बॉडी है, जो जहां पे हम अपील कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट है, और उस समय भी सुप्रीम कोर्ट थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी नहीं थी या बॉडी नहीं थी। उस समय फिर क्या थी, तो हम आपको ये आपको बता दें कि उस समय जो हाईएस्ट अपीलेट बॉडी थी दैट वॉज प्रिवी काउंसिल, एंड इट वॉज सिचुएटेड एट लंदन, ये लंदन में स्थित थी। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए कि प्रिवी काउंसिल है क्या। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये प्रिवी काउंसिल क्या चीज है, तो आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक भी को भी जब उनको भारतीय शांति का जनक कहा गया था, तब वो तिलक अपने केस की पैरवी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस हार गए, उसके बाद वो प्रिवी काउंसिल में अपील किया, और प्रिवी काउंसिल में जाके उन्होंने उस केस को लड़ा था। तो प्रिवी काउंसिल उस समय हाईएस्ट अपीलेट बॉडी थी। तो वो लंदन में भी रहकर, लंदन वापस जब दोबारा गए, तो
तो वो लंदन जाने के बाद फिर वहां पे भी प्रैक्टिस उन्होंने 5 साल एज ए की। इसके अलावा वो भंडारा में जो चेयरमैन बार काउंसिल के रहे, नागपुर बार काउंसिल के भी वो चेयरमैन रहे। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि उनको जो ख्याति मिली, एक प्रकार से जो प्रसिद्धि मिली पूरे देश में, जो पैन इंडिया में उनकी जो पहचान बनी, एक वकील के रूप में बनी। और आगे मैं ये एक तस्वीर है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। ये युवा जब वकील के रूप में उनकी एक तस्वीर जो बहुत रेयर है और इसको देख सकते हैं। और ये जब उन्होंने उन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी तब उसकी ये डिग्री की। साथियों, मैंने अभी जो बात की आपसे वो गौर साहब के जीवन का वो हिस्सा था जो उनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। गौर साहब बेसिकली जब हम उनकी बात करते हैं तो हमें वो दिखाई देते हैं एक वकील के रूप में, प्रसिद्ध वकील के रूप में हम जानते हैं। और अब जो दूसरा हिस्सा है जिस पर मैं बात करूंगा, एज एन राइटर की बात करूंगा। और आप देख पा रहे हैं मैं कुछ है, लेकिन इसके पहले चूंकि वकील थे तो मैं उसको जोड़ते हुए मैं उस स्लाइड को लेकर आता हूं, पहले उस पर बात करूं, उसके बाद फिर मैं उनकी जो दूसरी चीजें हैं जैसे राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर गौर, जब बुक्स रिलेटेड टू लॉ से संबंधित उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे साथ। तो ये जो स्क्रीन है उस पर मैं आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब गौर साहब इंडिया लौटे तो उनकी बड़ी परेशानी ये थी कि कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसमें एक जगह कोई चीज कंपाइल किया गया हो और किसी भी नए वकील के लिए या किसी भी लॉ के प्रैक्टिशनर के लिए आसान हो। तो इस समस्या को देखते हुए उस समय जो एक यूरोपियन लेखक थे मैनी, उनकी ही किताब चलती थी। तो लेकिन बेसिकली जब सिविल, जब हम केस लड़ते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, तो खास करके जो प्रॉपर्टी के जो मामले आते हैं, तो प्रॉपर्टी के मामले बहुत भारत में आते थे, चाहे वो दो भाइयों के बीच हो या दो पड़ोसियों के बीच में हो या किसी और के बीच में हो। तो वो प्रॉपर्टी के मामले जब आते थे तब समस्या ये थी कि कोई ऐसा लॉ नहीं था जो प्रॉपर उसको डिफाइन कर रहा हो या एक जगह पे उसको डिफाइन किया गया। तो गौर साहब ने इस चीज को बहुत इससे समझा और उसके बाद जो उनकी पहली किताब आई द लॉ ऑफ ट्रांसफर इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जो किताब पर इन्होंने लिखी और ये 1910 में ये किताब आई और ये बहुत ही कह सकते हैं प्रभावशाली किताब थी। और इसकी गौर साहब लिखते हैं कि जब वो भारत में जब पब्लिश हुई और उसके बाद फिर उसकी जो कॉपीज आई तो हाथों हाथ वो बिकी और वो बेस्ट सेलर किताब के रूप में उस समय निकली। तो वो एडिशन 1, 2, 3 और कई एडिशंस में ये निकले। इसके बाद जो उनकी जो प्रमुख किताब थी द पिनल लॉ ऑफ इंडिया, उन्होंने पिनल लॉ को भी डिफाइन किया और बहुत अच्छे से अपने तरीके से उसको किया और 1914 में ये पब्लिश हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौर साहब का जो व्यक्तित्व है, गौर साहब का जो काम है, किसी भी मायने में किसी महान भारतीय नेता से कम नहीं है। चाहे हम गांधी की बात करें, चाहे अम्बेडकर की बात करें या किसी और बड़े नेता की बात करें, लेकिन दुर्भाग्य है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि दुर्भाग्य है कि हम गौर साहब पे ज्यादा चर्चा करते नहीं। जो एक चर्चा होती है, जो मैं पहले भी कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की, इससे ज्यादा हमारे न बच्चे जानते हैं और ना ही आम लोगों को ये जानकारी है। सागर में भी ये बात बहुत प्रचलित है कि गौर साहब जो थे विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, अपना पैसा दान करके कर दिया। लेकिन जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो लॉ के फील्ड में, और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर की जो किताब है द हिंदू कोड, जो 1919 में उन्होंने लिखी थी। और आपको बता दूं कि आगे चल के जब आप देखेंगे कि द हिंदू कोड बिल आता है, जब कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री होते हैं और वो एक बिल लेकर आते हैं और बिल जो है द हिंदू कोड बिल के नाम से होता है। तो क्या आपको पता है कि वो जो बिल आया उसके पीछे एक दिमाग कौन था, उसके पीछे का व्यक्ति कौन था? बाबा साहब अंबेडकर भी वकील थे और डॉक्टर गौर भी वकील थे, लेकिन सबसे पहले यदि किसी का विजन था, इस पर चर्चा नहीं होती, इस पर बात नहीं होती, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल भी मैंने एक इंटरव्यू में मैंने बताया था कि हिंदू कोड बिल के पीछे यदि कोई व्यक्ति था तो डॉक्टर गौर थे। और इस बात को हमको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए और ये बात होनी चाहिए। समस्या ये है कि जो हमारे जो
खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम लोग उनके बारे में बात तो करते हैं, इवन हम उनके उनको भारत रत्न दिलवाने की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भारत रत्न दिलवाने की बात यदि हमको करनी है, भारत रत्न दिलवाने की बात जब करते हैं तो उसके पीछे पुख्ता बातें होनी चाहिए और ऐसी बातें होनी चाहिए जिसको हम ये बता सकें कि इस आदमी का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। तो कंट्रीब्यूशन यदि हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं तो साथियों आज मैं कहता हूं कि पूरे भारत की जो आधी आबादी है उनको शुक्रगुजार होना चाहिए डॉक्टर गौर का, क्योंकि वो किस तरीके से महिलाओं के अधिकारों के लिए मतलब चिंतित थे और उसको लेकर वो द हिंदू कोड लिखते हैं। मैं आगे उनके जो दूसरे स्लाइड्स में बात करूंगा, क्योंकि अभी उनकी किताबों के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री एंड द लॉ ऑफ इंटरेस्ट की बात की उन्होंने, फिर द इंडिया एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पे बात की, द प्रिवी काउंसिल एंड आफ्टर पर किताब लिखी। तो इस प्रकार से लॉ की उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। और इसके अलावा अब यदि मैं बात करूं उनके दूसरी किताबों की, तो ये जो किताब है, जब हम एक राइटर के रूप में, साथियों आज की जो वीडियो है उसमें मैं दो बातें कर रहा हूं, एक तो उनके एजुकेशन संबंधित मैंने बात की, सॉरी एजुकेशन के बाद जो एज ए वकील के रूप में उन्होंने जो प्रैक्टिस की उस पर बात की मैंने, और अभी मैं उनके एज ए राइटर बात कर रहा हूं। और जब मैं एज ए राइटर बात कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने बताया कि लॉ की किताबों कैसे किया, और लॉ के जो लोग हैं, जो लॉ की दुनिया के जो लोग हैं, वो यदि उस चीज को समझेंगे और ये जानना जरूरी है, बताना जरूरी है कि ये काम गौर साहब ने किया हो। दुर्भाग्य यह है कि हमारे इतिहासकारों ने या किसी और व्यक्ति ने, इवन हम बुंदेलखंड में भी इस बात को बहुत मुखरता से नहीं उठा पाए, और लगभग 70-75 साल हो गए, और ये बात मुझे आज मैं कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है कि गलती हमारी ही है और हम इस चीज को नहीं ले पाए, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूंगा कि इस माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं और बात कर रहा हूं। तो मैं जब बात करता हूं कि वो लेखक थे तो एक कवि भी थे, उनके अंदर एक कवि का मन भी था, और आप उनकी पूरी कविताएं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक अंग्रेजी के किसी भी बड़े साहित्यकार से वो कम नहीं थे। उनकी दो कविताओं का जो संग्रह है, पहला है स्टेपिंग वेस्ट वर्ड एंड अदर पोएम्स, जो 1890 में लंदन से प्रकाशित हुई, और इस किताब की बात मैंने आपको पहले बताई थी, पिछले शायद वीडियो में मैंने कहा था कि जब वो पहली बार लंदन जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, और मुंबई के जो बंदरगाह पे जहाज में बैठे और उसका जो अनुभव था, पहली बार उन्होंने समुद्र को देखा अपने, उसके बाद फिर वो जो उनके मन में जो कल्पनाएं थी उन सब चीजों को लेकर पूरे यात्रा के दौरान, मतलब बॉम्बे से लेकर लंदन तक की जो यात्रा हुई, उन 15-20-25 दिनों की जो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान उन्होंने जो अपने बहुत जो कविताएं लिखी वो अपने आप में अनूठी थी, और उसको वो जाके लंदन में उन्होंने पब्लिश कराया, और इस कविता को लॉर्ड टेनिशन और जो और ग्लैडस्टोन थे, जो जाने माने साहित्यकार थे, उन लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा की, और ये बाध्य हुए इस बात को मानने के लिए एक युवा भारतीय के अंदर इतनी प्रतिभा है और उसके साहित्य में कितना दम। आप कह सकते हैं कि उस समय के जाने माने साहित्यकार थे लॉर्ड टेनिशन और ग्लैडस्टोन, और वो गौर साहब की तारीफ करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी उनकी जो पोएट्री का जो कलेक्शन है वो रैंडम राइम्स के नाम से हम देखते हैं, जो बाद में पब्लिश हुई। इसके बाद दो उनकी जो कार्य हैं उसको बताना बहुत जरूरी है आप सभी को, और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं इस प्रकार से बात करूं कि उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण नॉवेल है हिज ओनली लव 1929 में हेनरी वेबकर लंदन से पब्लिश हुई, और ये जो बेसिकली नॉवेल है महिलाओं की दशा के बारे में ज्यादा है, महिलाओं की कंडीशंस को लेके। मैंने आपको याद होगा कल जब मैंने पिछला जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था जिसमें उनके अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात कर रहा था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि उनकी दो बहनें थीं लीलावती और मोहनबाई, और माता जी थीं अडलीबाई। तो मैंने ये बात कही थी आपसे कि इन तीन महिलाओं का उनके जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने जो बचपन में देखा था अपनी माँ को जो कष्ट उठाते हुए, अपनी बहनों के यहाँ जब वो गए
चूंकि उनकी बहनों की शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद जब वो अपने बहनों के घर गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहनें जो है सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, और 4 बजे उठ के पूरे घर की सफाई करना, सारा काम करना, सभी को खाना बना के देना करना, उसके बाद फिर उनका समय आता है। और दो चीजें उन्होंने महसूस की, एक कि महिलाओं का जीवन कितना कठिन है, कितना सेक्रीफाइसिंग है, चाहे उनकी माँ हो चाहे बहन हो, और तीसरी बात कि एजुकेशन का नहीं होना लड़कियों को। जब उनकी जो बहन थी वो गणित में बहुत मुखर थी और गणित अच्छी जानती थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन चूंकि उस समय का समाज, उस समय की परिस्थितियां कह सकते हैं गौर साहब के परिवार को नहीं दिया, और उस समय की परिस्थितियां ये थी कि हमको लड़कियों की को 10-12 साल में उनका विवाह कर देना है। तो ये कारण रहा कि उनकी बहन जो है पढ़ना चाह रही थी, लेकिन पढ़ने के लिए मतलब ना मौका मिला और ना परिस्थितियां थी। तो गौर साहब के मन में ये दुख था। और आप सोचिए कि गौर साहब ये अपने 60 साल के बाद जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो ये सारी बातें लेकर आते हैं, और ये सारा दर्द उनका झलकता है, ऑटोबायोग्राफी में बात करते हैं। लेकिन जब आप इस नॉवेल को पढ़ेंगे, हिज ओनली लव को पढ़ेंगे, तो आपको दिखाई देगा, मैं इस नॉवेल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गौर साहब कितने सेंसिबल थे, कितने सेंसिटिव थे महिलाओं के मुद्दे को लेकर, और उनका उनका कहीं ना कहीं एक दर्द था, उस दर्द को हमको समझना चाहिए। और ये और आज हम 21st सेंचुरी में हम बहुत बराबरी की बात करते हैं, महिला समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी महिलाओं का जीवन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में दोयम दर्जे का है। इवन पढ़े लिखे समाज में भी और एडुकेटेड फैमिली में भी हम इस चीज को देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं। तो गौर साहब अपने इस नॉवेल के माध्यम से, हिज ओनली लव के माध्यम से, वो दिखाते हैं कि एक महिला कितना समर्पण भाव से, कितना त्याग करते हुए अपने अपने पति के लिए, पहले पिता के लिए, फिर पति के लिए, फिर बाद में अपने पुत्र के लिए पूरा जीवन सेक्रीफाइस करती है, बदले में उसे मिलता क्या है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वो खड़ा करते हैं आज से 100 साल पहले, शायद 100 साल से भी अधिक पहले की बात है। तो इस 100 साल पहले ये बात उठा रहे हैं, तो ये हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा करता है कि वो एक ऐसे नॉवलिस्ट के रूप में हमको दिखाई देते हैं जो महिला अधिकारों को, मतलब शायद हम गौर साहब को एज ए फेमिनिस्ट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन शायद उनके नाम की चर्चा भी नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि जब तक उनकी जो राइटिंग्स हैं, चाहे उनके नॉवेल्स हों, चाहे उनके पोएम्स हों, चाहे लॉ की किताबें हों, पब्लिक डोमेन में आएंगी नहीं, हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम जब बात करते हैं कि उन्हें भारत रत्न देना चाहिए, तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि भारत रत्न देने से गौर साहब के विचारों को हम जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, भारत रत्न देना ये हमारा काम नहीं, ये सरकारों का काम है, ये सरकारें तय करेंगी कि देना है नहीं देना है, क्या उसके पैमाने होंगे, लेकिन हम और आप ये काम तो कर सकते हैं। अजय, मैं शिक्षक की बात करूं, आप विद्यार्थी हैं और भी जो यहाँ पे मतलब जो इस वीडियो को सुनेंगे जो भी प्रबुद्ध जन, तो मैं ये कह सकता हूं कि गौर साहब के विचारों का जन जन तक पहुंचना जरूरी है, और उन विचारों का जो आज भी समाज में रूढ़ियां बनाई हुई, आज भी महिला अधिकारों को रोकती हैं, महिलाओं को उस रूढ़िवादिता के फ्रेम में रखती हैं। तो मुझे लगता है कि गौर साहब को कि ये जो राइटिंग्स है इसको पुनः पब्लिश की जानी चाहिए, या हम पब्लिश करने में समस्या है, कहीं फंड की बात है, तो इसको कहीं ना कहीं डिजिटलाइज करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया की बात हो रही है, सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, तो क्यों नहीं हम सारी उनकी राइटिंग्स को डिजिटल करवा पाए। तो ये प्रश्न है, और हालांकि इस प्रश्न को मैंने हमारी माननीय कुलपति महोदया के सामने विगत वर्ष, पिछले वर्ष 2021 में गौर उत्सव के दौरान अपने कार्यक्रम के दौरान मैंने की थी, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में काम होगा, और निश्चित ही इसमें सकारात्मक चीजें आएंगी सामने। तो हिज ओनली लव के पीछे जो मेरा अपना मतलब मैं जो सोचता हूँ और मेरा जो अपना दृष्टिकोण है, मैं ये देख पाता हूँ गौर साहब जब महिलाओं की मुद्दों को उठा रहे होते हैं, वो इतने मुखर होते हैं,
उस नॉवल के माध्यम से, यदि आप पढ़ते हैं तो उस नॉवल में आपको इस बात की को समझ में आएगी कि वो किस प्रकार से महिला मुद्दा को लेकर मुद्दों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। दूसरी जो उनकी जो नॉवल है वो लेटर्स फ्रॉम हेवन है। यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि दो चीजें आप देखिए, एक महिलाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं जब पहले नॉवेल के माध्यम से, दूसरे नॉवेल के माध्यम से समाज में हो रहे हम डिस्क्रिमिनेशन की बात है, चाहे हम समाज में अपने दोहरे मापदंडों को लेकर है, उन चीजों पर उठाघात करते हैं इस उपन्यास के माध्यम से, लेटर्स फ्रॉम हेवन के माध्यम से। तो कॉन्ट्रडिक्शन जो है हमारे कल्चर में, हमारी कथनी और करनी में, इन दोनों के अंतर को उजागर करता है। जैसे हम मैं बात करूं कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जहां महिलाएं होती, जहां स्त्री होती है, जहां स्त्री का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कथन है। लेकिन इसके विपरीत क्या है? विपरीत स्थिति ये है कि हम महिलाओं को आज भी मिनिमम उनके जो राइट्स हैं उन्हें दे पाए। और यदि हम कहें कि पढ़े लिखे समाज में बदलाव आया है और महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं बहुत, लेकिन ये समस्या तब तक रहेगी, इक्वालिटी की बात तब तक उठती रहेगी जब तक कि हम महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में लेकर नहीं आएंगे और डिसीजन मेकिंग में लेकर आना पड़ेगा। और ये गौर साहब अपने इस नॉवेल के माध्यम से, दोनों नॉवेल के माध्यम से लेकर आते। दूसरी तरफ जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि की बात होती और ये कहा जाता है कि मेरे अंदर जो ब्रह्म है वो तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म जब हम सबके अंदर है, हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, तो फिर ईश्वर का ईश्वर से कैसे भेद, जाति का जाति से कैसे भेद, वर्ग का वर्ग से कैसे भेद, लिंग का कैसे भेद, जब हम सबके अंदर एक ब्रह्म है, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म कैसे वो डिफरेंशिएट कर पा, कैसे वो डिस्क्रिमिनेट कर लेता। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसको लेकर वो बहुत कह सकते हैं इस बात को अपने नॉवेल के माध्यम से उठाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत गौर साहब क्रांतिकारी दिखाई देते हैं। तो साथियों आज ये जो किताबें मैंने बात की, इसके अलावा एक और है जो जिसको बता दूं, आप सभी को पता होना चाहिए, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें द बैले लेटर्स लिखा, लॉस्ट शोल लिखा, पासिंग क्लाउड्स लिखा और उनकी ऑटोबायोग्राफी जो सेवन लाइव्स लिखा। तो ये सारा कुछ जो है जिसको हम देखते हैं। और इसके अलावा यदि देखिए ऑटोबायोग्राफी जो सेवन लाइव्स है, ये बाद में पब्लिश हुई 1957 में ऑटोबायोग्राफी। तो ये पहलू है, इस पर मैं आज आपसे बात किया और निश्चित ही आप सब मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपसे बात की है, दो पहलुओं पे बात की, पहला एज ए वकील के रूप में उनका क्या योगदान रहा, एक लेखक के रूप में, एक लेखक जो वकालत के जो लॉ से संबंधित किताबें लिखता है, एक लेखक जो कवि भी है, एक लेखक जो उपन्यासकार भी, और उनमें क्या कौन से मुद्दे उठा रहा है, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ही इसका जो तीसरा एपिसोड है वो मैं लेकर आऊंगा, जो एज ए पॉलिटिशियन और एज ए सोशल रिफॉर्मर उन पर बात, और एज एजुकेशनिस्ट, इन तीन मुद्दों पर हम तीसरी वीडियो में बात करेंगे। और कोशिश करूंगा कि तीसरी और या चौथे दो और वीडियो में मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, या कुछ इसमें कमी रह गई है तो आप अपने सुझाव कमेंट करें, और मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब करेंगे तब हम गौर साहब को, सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट क्रिटिकल करिए, जहां आपको कमी लगती है उस पर उस बातों को लिखकर आइए, क्योंकि गौर साहब या अंबेडकर या गांधी आलोचना से डरते नहीं थे। तो मैं, यदि हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो मुझे भी आलोचना से डर नहीं लगता है, मुझे लगता है आलोचना होगी तभी हम ज्यादा पॉलिश्ड हो पाएंगे, जैसा हमारे यहाँ कहा भी कि निंदक नेर राखी आंगन कुटी छवाए। तो साथियों आप अच्छे क्रिटिक हैं, हो सकते हैं, और आप मेरी जो भी आलोचना कर सकते हैं। मैं टेक्निकली बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, इसलिए मेरे वीडियो में बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन मैंने प्रयास किया है। और ये ट्रिब्यूट है गौर साहब को, आज 2022 में जब हम गौर उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है इन वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।